में भर्ती नहीं आई थी, 2023 के लास्ट में 24 में ये भर्ती आई, जिसका पेपर आनंद फानन में सरकार ने और भर्ती बोर्ड ने कराया। अब 17 और 18 तारीख को चार दो दो पालियों में, मतलब चार शिफ्टों में पेपर होना था, जिसकी चारों शिफ्टों का पेपर जो है वो लीक हो चुका है। 17 की शाम को और 18 की शाम को जो पेपर लीक हुआ है उसका सबूत भी है, और हम अभी विधायक जी के यहाँ आवास पर आए हैं, अपने विधायक जी को ज्ञापन देना चाहते हैं कि वो हमारी बात मुख्यमंत्री तक और भर्ती बोर्ड तक पहुंचाएं, ताकि इस पे कार्रवाई हो सके और सारी की सारी शिफ्ट कैंसिल हो जाएं, ताकि कोई भी दलाली के थ्रू जो बच्चा ना लगे, जो बालक मेहनत कर रहे हैं, किसान मजदूर परिवार से आते हैं, उन बच्चों को सिलेक्शन हो और वर्दी ऐसे लोगों को ना मिले जो आगे जाके देश को प्रदेश को लूटने का काम करें। ईमानदारी से बच्चे लगेंगे तो ईमानदारी का कार्य करेंगे, दलाली से बच्चे लगेंगे तो वो आगे जाके प्रदेश को लूटने का काम करेंगे। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और अपने विधायक जी से निवेदन करते हैं कि हमारी इस मांग को जल्दी से जल्दी आगे तक पहुंचाएं और चारी जो शिफ्ट है चारों शिफ्टों को जल्दी से खत्म करके आगे जो पेपर कराएं उसका ऐसा प्रावधान कराएं कि कोई भी भर्ती लीक ना हो, और कोई भर्ती लीक करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, रासुका लगे, उसके घर को बिल्डोजर से तोड़ दिया जाए। धन्यवाद।